तो इस वीडियो में हम एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन अपन एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज इलोंगेटेड टू मेक अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ। दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड्स जॉइन टू मेक अ सर्कल। इफ टू पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को क्या किया है, बहुत घुमा फिरा के दिया है। अगर अपन इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे ना तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सिंपल लग रहे हैं, बस इसको बहुत घुमा फिरा के बोला गया है, राइट। तो इस क्वेश्चन को अपन फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट। ये वायर है, इसकी अपन को जो रेजिस्टेंस है वो अपन को 3 ओम गिवन है, ठीक है। मैंने अब क्या किया, इस वायर को इलोंगेट किया, इलोंगेट मतलब स्ट्रेच कर दिया है, और स्ट्रेच करके क्या किया है, इसको डबल लेंथ कर दिया है, इसको अपन ने डबल लेंथ कर दिया, राइट। तो अपन देखें, तो वायर को मैंने स्ट्रेच करके डबल लेंथ कर दी है, ठीक है। तो अगर अपन पहले वाले वायर की लेंथ एल मानते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी 2L हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अपन को पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैंने वायर को स्ट्रेच करके लंबा कर दिया, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। अपन को ये तो पता पड़ गया, अपन को ये वाला फंडा यूज करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे क्या बोला है, देखो मैंने इस वायर को स्ट्रेच करके डबल तो कर दिया, बट आगे भी कुछ बोला है। दिस न्यू वायर, ये जो नया वायर बनाया है 2L लेंथ का, इज नाउ बेंट एंड द एंड्स जॉइन टू मेक अ सर्कल, ठीक है। तो देखो ये जो इसके दो एंड है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको वायर को घुमा दे रहा हूँ ऐसे, और इसको एक सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने इसको क्या किया, इसे घुमाया दोनों तरफ और एक सर्कल बना दिया। बेसिकली इस दोनों वायर के जो एंड्स हैं इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये पूरा सर्कल बन गया, पूरा एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ टू पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। दो पॉइंट ले लो कोई भी रैंडम, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। और ये क्या एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, 60 डिग्री, ये क्या एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है अपन को, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी, राइट। तो ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन को बहुत घुमाया है अपन ने, क्या किया, पहले वायर को स्ट्रेच कर दिया, 2L लेंथ का बना दिया, अपन ने लेंथ डबल कर दी। अब इस वायर को जो लेंथ डबल करी है, मैंने इसको घुमा के सर्कल बना दिया, अब अपन को क्या पूछ रहा है, इस वायर पे दो पॉइंट है ए और बी, राइट, ए और बी पॉइंट है, वो क्या करते हैं सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यही हुआ, सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल। इन दो पॉइंट के बीच में अपन को रेजिस्टेंस पूछी है, ठीक है। तो देखो अब इन दो पॉइंट को अपन अगर देखेंगे, ए और बी पॉइंट को अपन देखते हैं, राइट। तो ए और बी के बीच में अपन देखें तो ऐसे दो वायर हैं, राइट। एक तो ये हो गया ए और बी के बीच में, ये हो गया, राइट। और एक और ए और बी के बीच में क्या हो गया, ये भी ए और बी के बीच में, राइट। तो आप इसको देखोगे तो बेसिकली क्या है, ए और बी ये दो पॉइंट है, ये जो छोटा वाला वायर है ये यहाँ पे है, और ये जो बड़ा वाला वायर है यहाँ पे, ठीक है। जो देखो इस तरफ का वायर, राइट, ये तो ये हो गया, राइट, लेफ्ट वाला, और ये जो छोटा वाला वायर है ये हो गया, राइट। तो आप देखोगे ए और बी पॉइंट के बीच में ये दोनों पैरेलल में, बेसिकली इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में, राइट। तो मेरे को बस अब ये करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है लेफ्ट साइड वाले का, लेफ्ट साइड इसको बोलता हूँ, राइट, एल वन, राइट, मैं इस राइट वाली साइड को बोल रहा हूँ आर वन, ठीक है। तो मैं अगर आर वन निकाल लूँ और एल वन का रेजिस्टेंस निकाल लूँ, तो इन दोनों को मैं पैरेलल कर दूंगा, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब अपन इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बट एक बार उससे पहले अपन इसको समराइज कर देते हैं, राइट। तो अपन ने ये फाइनल जो सर्किल बनाया था, राइट, इसके बीच में क्या था, दो पॉइंट थे ए और बी, इन दो पॉइंट के बीच में एंगल था 60 डिग्री, राइट। और ए और बी पॉइंट के बीच में मेरे को क्या पूछा था, ए और बी के पॉइंट में मेरे को नेट रेजिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा। ए और बी पॉइंट के बीच में क्या हो गया, दो तार हो गए, एक तो ये तार हो गया, राइट,
और दूसरा क्या हो गया, ये लंबा वाला तार हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये जो दो तार हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, ये दोनों पैरेलल में हैं, राइट। तो इस तार की अगर मेरे को रेजिस्टेंस पता पड़ जाए, लेफ्ट वाले की L1 और राइट वाले की R1 पता लग जाए, तो मैं इनके बीच में नेट रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। बट ये L1 और R1 कैसे पता चलेगी, वो अपन को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं। अब अपन को क्या गिवन था, शुरू में जो वायर था उसकी लेंथ थी L और उसका रेजिस्टेंस था 3 ओम। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मैंने इसको स्ट्रेच किया, लेंथ कर दी 2L, लेंथ कर दी मैंने 2L। ठीक है, अब आपको देखो हमेशा याद करना है अपन को वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, ये फंडा यूज करना है। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, एल होती है लेंथ, ए होता है एरिया, राइट। तो जब अपन को स्ट्रेच करते हैं वायर को, तो एल बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, एरिया कम होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है अपन इससे कुछ कंक्लूसिव पॉइंट नहीं दे सकते, राइट। बट मैं अगर दोनों ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दूं, रो एल इंटू एल, नीचे क्या था, नीचे तो खाली एरिया था, एरिया इंटू एल। ठीक है, तो मैंने बस इसको लिया है, इसको लिया है, ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एल से एल कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया, रो एल स्क्वायर, नीचे क्या बच गया, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू एरिया क्या होती है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगी हमेशा, राइट। तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गई, रो कॉन्स्टेंट हो गया, तो बचा एल स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, राइट। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, एल स्क्वायर के पैटर्न से बढ़ेगा, राइट। तो अगर लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डबल का स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा, राइट। ये तो आपको पता पड़ गया, ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैंने लेंथ डबल कर दी है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आर है, जो रेजिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, एल स्क्वायर के, राइट। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, शुरू में रेजिस्टेंस कितना था, 3 ओम। मैंने जैसे ही वायर को स्ट्रेच किया, डबल करी लेंथ, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स। शुरू में क्या था, 3 ओम, तो अब कितना हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया नए वाले वायर का, 4 टाइम्स इंटू इनिशियल वाला, इनिशियल क्या था, 3 ओम गिवन था, तो नए वाले वायर का आ गया 12 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या किया था, ये जो नया वायर बना था इसका रेजिस्टेंस क्या है, 12 ओम। इसको मैंने बेंड कर दिया था सर्किल में, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा वाला वायर हो गया, एक ये छोटा वाला वायर। अब इनकी रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये वाले की कितनी है और ये वाले कितनी है, ये कैसे पता लगेगा। अब देखो ए और बी के पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, 300 डिग्री, राइट। तो ये बड़ी वाली लेंथ है, ये कितनी कवर कर रही है, 300 डिग्री, और ये जो छोटी वाली वायर है, ये क्या है, 60 डिग्री एंगल कवर कर रही है, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। तो मैं जो छोटा वाला वायर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 60 डिग्री कवर कर रहा है, डिवाइड बाय टोटल 360 डिग्री इंटू 12 ओम। अभी अभी अब मैंने निकाली थी जो नया वायर है उसकी 12 ओम है, और मैंने नए वायर को ही मैंने बेंड करके सर्कल बनाया था, राइट। तो ये जो राइट वाला छोटा वायर है, इसकी रेजिस्टेंस हो गई 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 12 ओम। ठीक है, तो ये 66 से कट जाएगा और ये कितना आ गया, 2 ओम, राइट। तो ये जो ए और बी के बीच में छोटा वाला वायर है, ए और बी के बीच में छोटा वाला वायर है, ये कितना हो गया, 2 ओम, ये कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, तो देखो बड़े वायर की जो है, जो इधर वाला वायर है, इसकी मेरे को नेचुरली पता पड़ गई कि यार 10 ओम होगी, लेफ्ट वाले की नेचुरली पता पड़ गई 12 ओम होगी, सॉरी 10 ओम होगी, 10 ओम होगी। क्यों होगी 10 ओम, लेफ्ट वाले साइड की 10 ओम क्यों होगी, क्योंकि टोटल 12 ओम थी। बट अपन इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट वाला है वो कितना एंगल कवर कर रहा है, 300 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू, ये कितना आएगा, 10 ओम। ठीक है, आप समझ गए, राइट छोटे वाले वायर की आ रही है, वापस इसको बना देता हूँ। ठीक है, ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, जो छोटा वाला वायर है ए और बी के बीच में, इसकी आई 2 ओम और इसकी आई 10 ओम। ठीक है, 2 ओम और 10 ओम, ये क्या है, बेसिकली ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, नेट रेजिस्टेंस जब भी दो रेजिस्टर पैरेलल में होती है, कैसे अपन निकालते हैं,
R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला तो अपन को याद होना चाहिए। तो कितना हो गया, 10 इंटू 2, नीचे क्या होगा 10 प्लस 2, तो कितना हो गया ये 20/12, या फिर मैं इसको कितना बोल सकता हूँ 5/3, राइट। तो अपना जो नेट रेजिस्टेंस आ गया ए और बी पॉइंट के बीच में, वो कितना आ गया 5/3। क्या ये आंसर में है, क्या ये आंसर में है, हम देखेंगे। यस ये आंसर में है, डी इज दी करेक्ट आंसर, 5/3, राइट। तो देखो अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना।